हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई, आप लोगों ने वो कहावत तो जरूर से सुनी होगी कि बात का बतंगड़ बन गया, लेकिन हमने ये रियल लाइफ में कभी नहीं देखा होता। लेकिन भाई, आज हम लोग यही चीज आपको दिखाने वाले हैं आपकी आंखों के सामने। यहाँ पर हमारे पास में पीछे पूरी टीम, यहाँ पर हमारे पास में 20 लोग हैं। सिंपली क्या करेंगे कि भैया, एक साइड में जो है हम कोई बात बोलेंगे, कोई एक मजेदार सेंटेंस बोलेंगे, वो जो है आगे सर्कुलेट होता होता दूसरी साइड जाएगा या फिर आगे से पीछे की तरफ जाएगा, और फिर देखते हैं कि बात जहाँ से शुरू हुई जब वो ख़त्म होगी तो क्या बनेगी, क्या बात वही रहेगी या बदल जाएगी या कितना मॉडिफाई होगी। तो यार, अपने आप में काफ़ी मज़ेदार है और आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। और भाई, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने काफी शोज में, टीवी पर भी देखा होगा कि ऐसे चैलेंजेस होते हैं, ऐसे गेम्स खेले जाते हैं जहां पर कोई बात बताई जाती है और बाद में वो जो बात है बदल करके कुछ और ही हो जाती है। इस चीज को चाइनीज विस्परिंग बोलते हैं। तो हम भी वही ट्राई करने वाले हैं। एक बंदे कुछ बोलेंगे, वो जो है बिना दूसरे को बताए उस बात को दूसरे के कान में बोलेगा। ठीक है भाई, मतलब इतने सारे जो लोग हैं लाइन में खड़े हो जाएंगे और दूसरे को आवाज नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप लोग जो कुछ भी बोलोगे वो सिर्फ आपके नेक्स्ट बंदे को ही सुनना चाहिए, किसी और को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो बात जो है ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगी। वन बाय वन ट्रांसफर बात होनी चाहिए। तो अब आप लोग जो है एक लाइन में हो जाइए, सारे लोग अभी ऐसे खड़े, एक लाइन बना लीजिए, ऐसे लंबी नहीं, ऐसे बना लो लंबी, नहीं इधर देखो। तो गाइज, यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो इस तरीके से लाइन में लग गए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि पीछे से शुरू करेंगे। और यहाँ इस पेपर्स में मैंने लिख रखी है बातें, तो वो भी मैं आपको पहले दिखाऊंगा। चलते हैं पीछे और पीछे से देखते हैं आगे विकास तक क्या बात पहुंचती है। तो आ जाओ, वहां पर चलते हैं। तो भाई, यहां से शुरुआत करेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इधर आके दिखाना, उनको दिख जाएगा। देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कान में बताऊंगा ये बात, ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ और आगे ट्रांसफर करनी है, ठीक है। राजू को कमल के फूल अच्छे लगते हैं, करण मेले में गया और खिलौने लाया, सीता ने गुल्लक को खोल दिया। इस बात को आगे ट्रांसफर करना है। राजू को कमल के फूल अच्छे लगते हैं, सीता ने कमल को खोल दिया और उसको बहुत अच्छे लगते हैं कमल के फूल। ओए, कैमरामैन नहीं हंसेगा, बता भाई क्या था। मुझे लगता है कि ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा बड़ा है, काम करते हैं इसमें से एक लाइन उड़ा देते हैं। एक काम करते हैं, पहली लाइन उड़ा देते हैं, सिर्फ ये लाइन रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यार ये फर्स्ट स्टेप में गड़बड़ हुई तो लास्ट तक बात जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, मेरे को फिर से दो, यहाँ से दोबारा से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या बात पहुँचती है। बात थोड़ी बदलेगी, ठीक है। इस बार करण मेले में गया और खिलौने लाया, सीता ने गुल्लक को खोल दिया। करण मेले में गया, सीता ने गुल्लक के खोल के उसको पैसे दिए और वो खिलौना लाया। करण मेले में गया, सीता ने गुल्लक को खोला और उसको पैसे दे दिए। करण मेले में गया, सीता ने गुल्लक खोला, उसको पैसे दे दिया। करण मेले में गया, सीता को ने गुल्लक खोला और उसको पैसे दे दिया। करण मेले में गया, गुल्लक को खोला, करण को उसने रुपये दे दिए। करण मेले में गया और उसे सीता मिली, उसने गुल्लक में से एक रुपया उसके निकाल के दिए। करण मेले में गया और सीता ने उसे एक रुपये गुल्लक काट दिया। करण मेले में गया और सीता को एक रुपये निकाल कर दिया। करण मेले में गया और सीता को एक रुपये काट के दिया। करण मेले में गया और सीता को एक रुपये निकाल के दिया। करण मेले में गया और सीता को एक रुपये दिया। करण मेले में गया, सीता को एक रुपये दिया। करण मेले
में गया, सीता को घर पे ले गया। करण मेले में गया, सीता को घर पे ले गया। करण घर पे ले गया सीता को घर। करण घर पे ले गया, सीता को घर पे ले गया। करण सीता को घर पे ले गया। राम सीता को घर ले गया। राम भाई पहुंच गई बात? पहुंच गई। बताना क्या थी, बताइए। राम ने सीता को घर ले गया। एक बार फिर बताना। राम ने सीता को घर ले गया। राम ने सीता को घर ले गया। अबे राम तो कोई था ही नहीं। तो भाई आपने देखा, आपके सामने जो पूरी बात है वो क्या से क्या बनी। बीच में मुझे सुनाई दे रहा था, बीच में कुछ ऐसा भी आया था कि सीता ने 1-1 रुपए किसको दिया। मुझे ऐसी आ रही थी, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। और भाई देखो असलियत में ये था, करण मेले में गया भाई, ये था असली में। करण मेले में गया और खिलौने लाया, सीता ने गुल्लक को खोल दिया और लास्ट में बात पहुंची, सीता को राम घर लेके गया। तो भाई अबे यार एक काम करते हैं, एक दूसरा राउंड करते हैं गाइस। हमारे पास में यार सही में हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। सब लोग वैसे ही रहो, दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। पर यहाँ पर बताए, इन दोनों सेंटेंस का आपस में कोई लिंक नहीं था, लेकिन अब जो सेंटेंस आने वाले हैं उनका आपस में भी थोड़ा बहुत, मतलब एक कहानी की तरह है, इसका कोई लिंक नहीं है, है ना। मेले में गया खिलौना लाया, और ये सीता का और इससे करण से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अब जो है लिंक भी होगा थोड़ा बहुत। अब देखते क्या होता है। आ जाओ फिर से आ जाओ गाइज, यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है वो मैं बोल रहा हूँ और मैं इसके कान में बता रहा हूँ, ठीक है। राम का दोस्त राहुल जंगल में जा रहा था, तभी शेर आ गया, शेर ने हिरन को मार डाला। राम का दोस्त जंगल में राहुल जा रहा था और उसको तभी शेर आ गया सामने और शेर ने राम को मार दिया। राम का दोस्त जंगल में जा रहा था, शेर उसका दोस्त था और राम ने उसको मार दिया। राम के दोस्त जंगल में जा रहा था, राहुल नाम था उसका, शेर दोस्त था, शेर ने उसको मार डाला। राम का दोस्त जंगल में जा रहा था, शेर राम का दोस्त था, शेर ने राम को मार दिया। राम का दोस्त जंगल में जा रहा है, शेर उसका दोस्त मार दिया राम को। राम का दोस्त जंगल में जा रहा है, उसको शेर ने मार दिया। राम का दोस्त जंगल में जा रहा है, शेर ने उसको मार दिया। राम का दोस्त जंगल में जा रहा है, शेर ने उसे मार दिया। राम का दोस्त जंगल में जा रहा है और उसने मार दिया। राम का दोस्त जंगल में जा रहा है और शेर को मार दिया। राम का दोस्त जंगल में जा रहा है, शेर को मार दिया। राम के दोस्त जंगल में जा रहे हैं, शेर को मार दिया। राम के दोस्त ने जंगल में जाके शेर को मार दिया। राम के दोस्त ने जंगल में जाकर शेर को मार दिया। राम के दोस्त ने जंगल में जाके शेर ने मार दिया। राम के दोस्त ने जंगल में जाके शेर ने मार दिया। राम के दोस्त में जंगल में ले जाके शेर ने मार दिया। राम के दोस्त को जंगल में ले जाके शेर को शेर ने मार दिया। अब एक बात बता, क्या बात पहुंची है यहाँ पे? राम के दोस्त ने जंगल में जाकर शेर को मार दिया।
जंगल में जाकर शेर को मार दिया। बात तो ये बताओ भाई, बात ये थी कि राम का दोस्त राहुल जंगल में जा रहा था, तभी शेर आ गया, शेर ने हिरन को मार दिया। और बात क्या पहुंची है, राम के दोस्त ने जाकर जंगल में शेर को मार दिया। शेर को मार दिया। तो यार, तो भाई यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके जो बात है उसका बतंगड़ बन जाता है इतना आसानी से। और मतलब बात कुछ होती है और जब इतने सारे लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो कहीं की कहीं चली जाती है, बात कुछ और ही बन जाती है। तो गाइज, आपको मज़ा इसमें डेफिनेटली आया ही होगा। अगर आपको आया मज़ा इस वीडियो में तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। यार सभी लोगों ने मेहनत करी है तो सभी लोगों के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना, ठीक है। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट वीडियो का बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें कि इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो अभी की अभी। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपको दिखाएंगे कि और कैसे कैसे बात का क्या क्या बतंगड़ बन सकता है।